ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्प आया है। दोस्तों पुष्पा 2 का टीजर लॉन्च हो चुका है। एक पल तो मुझे ऐसा लगा था शायद इस मूवी में पुष्पा राज मर चुका है, फिर बाद में एक ऐसी क्लिप दिखाई जिसे देख हम और तुम दोनों ही हैरान हो गए। इस 3 मिनट के पुष्पा टीजर ने ये तो बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है, क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी। आइए आपको बताते हैं कि इस 3 मिनट के टीजर में आपको क्या क्या दिखाया गया और क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले टीजर में दिखाया था कि पुष्पा राज खो गया है, वे इंडिया में नहीं है, शायद वे जापान अमेरिका या चाइना में हो सकता है। पुष्पा के समर्थक उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और जा रहा है कि पुष्पा मर चुका है क्योंकि पुलिस की बंदूक के 8 गोली उसके कमीज पर मिली हैं और बिल्कुल खून से लाल मिली हैं। इसे देखकर जनता भड़क जाती है और वो शहर में दंगा फसाद करने लग जाती है क्योंकि जनता पुष्पा राज से बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि पुष्पा राज ने जितना ही पैसा कमाया था उन सब पैसे को उन्होंने गाँव वालों में लगा दिया था, जैसे किसी की शादी में लगा दिया, किसी के बच्चे के इलाज कराने में लगा दिया, किसी के मकान बनाने में लगा दिया, इसलिए सब जनता उससे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक एक मीडिया की तरफ से खबर आती है कि जंगल में एक शेर देखा गया है, आइए उसको आपको फोटेज दिखाते हैं। उस फोटेज में उन्होंने देखा कि जंगल का शेर कैमरे के सामने आ रहा था, अचानक एक आदमी उसके सामने आता है तो शेर 2 कदम पीछे ले लेता है। इसे देखकर जनता समझती है कि ये कौन इंसान है जिसे देखकर शेर 2 कदम पीछे लेता है। फिर वो गौर से देखते हैं और देखते हैं और चौंक जाते हैं कि ये तो पुष्पा राज है। वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं पुष्पा राज जिंदा है, पुष्पा राज जिंदा है, पुष्पा राज जिंदा, और यहीं पर टीजर का एंड हो जाता है। आई होप आपने पुष्पा 2 का 3 मिनट का टीजर देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो पे ऐसा लाइक जरूर करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको टीचर कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।